हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेलेक्शन डेस्क ए पाथ ऑफ सक्सेस। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेलेक्शन डेस्क में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए एमसीक्यू ऑन डीसी जनरेटर, यानी कि जो अपनी CBT 2 जो होगा JEE का, उसमें जो सब लोगों की ब्रांच वाइज टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं। तो आज हम इलेक्ट्रिकल जेनोनिक, जिनकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल थी, तथा इलेक्ट्रिकल में जो सब्जेक्ट होती है अपनी मशीन, उसमें एक चैप्टर होता है डीसी जनरेटर। तो फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेके आए हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और बेसिक क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम आपको मिलेंगे। उनको अच्छे से केयरफुली पढ़ें और जिससे आपको एग्ज़ाम में जितने भी आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो, लोगों को इससे हेल्प करें। और फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट इसमें नए हैं, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें और भी ज़्यादा सपोर्ट मिले और हम और भी अच्छे आपके लिए अच्छे से ज़्यादा MCQ लेके आएँ और इसी तरह आप लोगों की हेल्प करते रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है डीसी वोल्टेज उत्पादन के लिए प्रयुक्त मशीन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है कंपाउंड जनरेटर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए है अल्टरनेटर, और अल्टरनेटर भी एक तरह से जनरेशन करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, मगर यह AC to AC के लिए यूज किया जाता है। वहीं ऑप्शन सी की बात करें, प्रेरण जनरेटर यानी कि इंडक्शन जनरेटर, तो फ्रेंड्स ये भी AC पे वर्क करता है। ऑप्शन डी शंट जनरेटर, फ्रेंड्स शंट जनरेटर भी हो सकता था मगर यहाँ कोई भी बता नहीं रखा है। जैसे अगर यहाँ मोटर जनरेटर बोलते तो हम कर सकते, मगर यहाँ ये मोटर लिख रखा है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपाउंड जनरेटर। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, प्राइम मूवर द्वारा प्रचालित डीसी जनरेटरों के आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज की प्रकृति, यानी कि जो प्राइम मूवर होते हैं उसमें जो भी वोल्टेज जनरेट होती है वो किस प्रकृति की होती है, यानी कि AC होती है, DC होती है, त्रिभुजाकार या वर्गाकार। तो फ्रेंड्स, इसकी सही आंसर होगा ऑप्शन बी AC। कोई भी मोटर या जनरेटर, कोई भी डिवाइस हो, तो फ्रेंड्स जो सबसे पहले जो जनरेशन होता है वो हमेशा AC में ही होता है। अब DC जनरेटर में हम स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं जो कि उसे DC में बदल देता है, इस प्रकार में और यूज़ कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, ये AC किस प्रकार होता है इसको भी हम एक बार के लिए आपको समझा सकते हैं। जैसा कि अपन सबने देख रखा है, दो तरह के पोल होते हैं, N तथा S, और यहाँ पे कंडक्टर रख दिया जाता है। और हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन है वो हमेशा जो चुंबकीय ध्रुव रखे हैं, जो दो चुंबकीय रहते हैं उनके बीच में मैग्नेटिक लाइंस का मैग्नेटिक या चुंबकीय फ्लक्स है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये कम होता जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार जो ये कर्व बनता है ये इस टाइप से बनता है, एक साइनोसाइडल वेव की तरह। इस प्कार जो भी हमें आउटपुट में प्राप्त होता है वो AC। फ्रेंड्स, अगर आप इसको और भी अच्छे से समझना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, मैं इसको और भी अच्छे से आपको समझा दूंगा जिससे आपको और भी हेल्प मिले। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आर्मेचर लेमिनेशन की धातु कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिलिकन स्टील। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम्यूटेटर का कार्य होता है। जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जितने भी मोटर या जितने भी जनरेटर होते हैं उसमें जनरेटर या मशीन जितनी भी होती है उन समय जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है वोल्टेज का वो हमेशा AC जो करंट होती है उसका हमेशा AC ही करंट होती है। तो उसको DC में बदलने के लिए कम्यूटेटर, यानी कि इसे हम स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं, उसका यूज किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्मेचर में उत्पन्न धारा को एक DC करने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी कि जो जनरेट होगा DC जनरेटर में जो करंट प्रोड्यूस होगी वो DC करंट होगी, और उसे कम्यूटेटर की सहायता से DC to AC में बदला जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर, DC जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्रेंड्स, इसको एक और तरीके से मैंने एक ट्रिक है जिससे याद कर रखा है। जैसे कि अपने हाउस यूज में अपन लोग जो यूज करते हैं जनरेटर, उसको हमने देखा होगा वो हमेशा क्लॉक वाइज घूमता है, यानी कि एक राइट हैंड के हिसाब से घूमता है। तो हमेशा याद रखें, जनरेटर क्लॉक वाइज राइट हैंड, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और मशीन की अगर वहीं बात करते हैं तो वो मशीन का जो रहता है प्रिंसिपल वो होता है, मशीन का जो प्रिंसिपल रहता है वो होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का नियम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में डीसी जनरेटर का भाग नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पोल कोर होता है, योक भी होती है उसकी कंस्ट्रक्शन में, और आर्मेचर कोर होती है, मगर जो स्लिप रिंग है ये ऑप्शन में नहीं होता, इसकी जगह वहाँ पर कम्यूटेटर यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स यूज की जाती हैं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा स्लिप रिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, DC मशीनों में आर्मेचर परिभ्रमण हेतु
प्रयुक्त होता है, यानी कि डीसी जो मशीनें होते हैं उसमें आर्मेचर, जो आर्मेचर अपना घूमता है, तो उसमें कौन किस प्रकार की बियरिंग यूज की जाती हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा बॉल बियरिंग है, रोलर बियरिंग। फ्रेंड्स जो बॉल बियरिंग होती है छोटी मशीनों में यूज की जाती है, वहीं अगर रोलर बियरिंग की बात करते हो जो लार्ज मशीनें होती हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनमें यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनरेटर के मुख्य क्षेत्रों के कुंडलन हेतु प्रयुक्त चालक पदार्थ। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा, इसका फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर होगा कॉपर, यानी कि तांबा, ताम्र। और फ्रेंड्स इसमें याद करने का कुछ नहीं है, समझाने का इसमें कुछ नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा, तो इसका सही आंसर होगा कॉपर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसका अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन के योक निर्माण हेतु प्रयुक्त धातु, यानी कि डीसी मशीन का जो योक बना होता है, बाहरी कवच होता है, उसमें प्रयुक्त धातु कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स मशीन का जो भी बाहरी कवर बनाया जाता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के धातु से बनाया जाता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। तो फ्रेंड्स उसका सही आंसर होगा कास्ट स्टील, यानी कि ढलवा लोहा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमिनेशन के प्रयोग से जो आर्मेचर वाइंडिंग्स होती हैं अपनी, तो उसमें जो लेमिनेशन की जाती है बीच में, तो उसका क्या क्या यूज है, वो किस लिए की जाती हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा भंवरधारी हानियाँ कम करने के लिए, यानी कि जो एडी करंट लॉसेस होते हैं उनको कम करने के लिए हमेशा लेमिनेशन की जाती है, इसीलिए हम सिलिकॉन स्टील का भी यूज करते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कम्यूटेटर सेगमेंट के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी होगी, यानी कि जो कम्यूटेटर यूज किया जाता है, जो एसी को डीसी में बदलते हैं हम, तो उस टाइम जो कम्यूटेटर यूज होता है तो वो किस धातु का बना होता है। तो फ्रेंड्स उसका सही आंसर होगा कॉपर, कठोर तांबा, यानी कि हाड्रॉन कॉपर, कठोर तांबा इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो डायग्राम दे रखा है इसमें, ये डायग्राम किस चीज़ का है। तो फ्रेंड्स इसका इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, लॉन्ग शंट जनरेटर और शॉर्ट शंट जनरेटर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर जैसा आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, लॉन्ग शंट जनरेटर। यहाँ हम देख सकते हैं जो शंट वाइंडिंग है आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में, और ये शंट में एक वाइंडिंग जुड़ी है जो कि यहाँ से लॉन्ग वे में जुड़ी हुई है, इसलिए लॉन्ग शंट। अगर इसको अगर शॉर्ट शंट बनाना होगा तो यहाँ से हम इस वाइंडिंग को, यहाँ ये जो सीरीज वाइंडिंग इसको बाहर निकाल के यहाँ से डायरेक्ट इस तरह जोड़ देंगे और फिर बाद में एक सीरीज वाइंडिंग लगा देंगे, तो फ्रेंड्स वो शॉर्ट शंट वाइंडिंग हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से मुख्य फ्लक्स। तो फ्रेंड्स जैस आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है, जैसा कि हम जानते हैं जो अपन जब अपन लोग जब मैग्नेटिक फ्लक्स के जरिए जब ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं, जो मेन फ्लक्स जनरेट होता है, तो उसका और आर्मेचर के द्वारा जो प्रोड्यूस फ्लक्स होता है उस पर इफेक्ट पड़ना आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है, यानी कि मेन फ्लक्स प्रोडक्शन पे आर्मेचर के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसका इफेक्ट पड़ना आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। उसमें फ्रेंड्स दो तरह के इफेक्ट होते हैं, पहला होता है विचुंबकन और दूसरा होता है क्रॉस चुंबकन, यानी कि विचुंबकन यानी कि डिमैग्नेटाइजेशन और क्रॉस चुंबकन यानी कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। विचुंबकन की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू या उसका मान कम हो जाता है। वहीं अगर हम क्रॉस मैग्नेटाइजेशन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जो अपना जो ईएमएफ या जो चुंबकीय फ्लक्स जो प्राप्त होता है उसमें डिस्टॉर्शन पैदा हो जाता है, और जो एमएनए और जीएमएनए होते हैं वो थोड़े शिफ्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डीसी मशीनों के क्षेत्र का अवशिष्ट चुंबकत समाप्त तो होने पर पुनः चुंबकित करने की विधि। तो यानी कि अगर डीसी मशीन है अगर उनका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म अगर खत्म समाप्त हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो उसे वापस चुंबकीय करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें जो शंट क्षेत्र में किसी को भी डीसी सोर्स से संयोजित कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपके ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों। फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम धीरे धीरे आपके लिए डेली की डेली और भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेके आते रहे, जिससे आपको हेल्प मिले। और जब भी आप एग्ज़ाम दोगे RRV JEE का, जो कि एक्सपेक्टेड है अगस्त या जुलाई के समथिंग शायद होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में पैरामेडिकल के एग्ज़ाम हैं 10 तारीख से, उसके बाद NTPC होगा,
हो सकता है उसके बाद हो, क्योंकि अभी कुछ शिफ्टों का आप देखा होगा नोटिफिकेशन भी डाला है कि जो एग्ज़ाम थे, जैसे कोलकाता सेंटर था वहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए थे, तो उनका पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर आंसर के फिर रिजल्ट आएगा, तो इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, तो हो सकता है शायद NTPC के बाद हो। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी बनाए रखें और टेक्निकल की काफ़ी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि जो मेन इसमें स्कोरिंग है वो 100 नंबर का है और इसी में आपको अच्छे से नंबर लेके आने हैं। तो फ्रेंड्स हम और भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएँ, तो फ्रेंड्स इसी तरह में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।